रुको, 2 मिनट में आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? अरे वो आज लैलतुल कद्र की रात है ना। हाँ तो सोच रहे हैं चिप्स नमकीन कोल्ड ड्रिंक ले ले। उसका क्या लेना देना लैलतुल कद्र से? अरे यार रात को आईपीएल देखेंगे और टाइम काट देंगे। हाँ आ रहा हूँ मैं अभी, आज पूरा रात जागना है यार, वैसे भी तो जागना ही पड़ेगा। ठीक है भाई यार थोड़ा जल्दी कर लो, हॉस्टल भी जाना जल्दी से। अभी क्यों जाएंगे बाहर घूमेंगे? आज रात भर जागना है कि नहीं जागना है? रात तुम ही बर्बाद करो। भाई इससे अच्छा तो तुम सो ही जाते। जागना हुज्जत नहीं है मगर जाग कर इबादत करना हुज्जत है। मतलब सही हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो कोई भी लैलतुल कद्र की रात में अल्लाह की इबादत इस साफ नियत से करता है कि अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देगा और उसको अजर देगा, उसके दर्जात बुलंद करेगा, तो अल्लाह ताला वो सब कुछ करता है। इनफैक्ट लैलतुल कद्र की रात आते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा अटेंटिव हो जाते थे। वो खुद भी इबादत करते थे, अपने घर वालों को भी उठाते थे रात भर इबादत करने के लिए। हमारे साथ उल्टा है, हम बैठ के चाय की टपरी पर चाय पी के वक्त गुजारते हैं या फिर बैठ के लूडो खेलते हैं या फिर आईपीएल देखते हैं। अब से इंशाल्लाह इबादत करेंगे।